हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मई चैनल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए आपके पास तो बहुत ही कम समय बच गया है अगर आपके सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मेरे अकॉर्डिंग आपने रिवीजन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दिया होगा अगर आपने ये सब अभी स्टार्ट नहीं करा तो रिवीजन तो सबसे पहले स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में मोस्टली चीज़ें हमें वो याद रहती हैं जो हम लोग उसको पहले से रिवाइज़ करके रख चलते हैं अगर आपको शार्प माइंडेड हो तो आई नो आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी जो पढ़ के जाओगे वो आपको याद रहेगा बट जो हमारे जैसे स्टूडेंट उनको एक दिन पहले वाली चीज़ें नहीं याद रहती हैं तो उसके लिए आपको पहले से रिविजन करना होगा आपको पता है कि आप इस समय इतना ज़्यादा विंटर होता है इतना ज़्यादा कोल्ड हो रहा है जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स की तबीयत नहीं सही होगी हाँ एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स की तबीयत भी खराब होती है ये सच है क्योंकि इम्यूनिटी अपनी जगह है एक फियर एक एनजाइटी की वजह से हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है अगर आपका विंटर की वजह से कोई भी uh, तबियत नहीं सही है आपको कोल्ड है कफ़ है तो प्लीज़ अपनी तबियत को सही कर लीजिए क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जब आप तीन घंटे एग्जाम के लिए बैठे हो तो आप बिल्कुल हेल्दी बैठिए आप थोड़े टाइम के लिए अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दीजिए थोड़ा सा ठंडे पानी की जगह जो आप नॉर्मली वाटर बॉटल में जो फिल करके रख देते प्लास्टिक में जो ठंडा हो जाता है उसकी जगह आप वर्म वाटर पीजिए थोड़ा सा गर्म कर लीजिए गुनगुना कर लीजिए वो आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है थोड़ा सा जंक फूड्स अवॉइड कर लीजिए क्योंकि आपको जंक फूड से भी एनर्जी इतनी नहीं मिलेगी साथ ही साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो गई इनडाइजेशन की तो वो भी आपका एक साइड इफ़ेक्ट बन जाएगा स्टडी से तो वो सबको चीज़ों को स्किप करिए साथ ही साथ थोड़ा सा हेल्दी खाइए वो आपको हेल्दी रखने हेल्दी uh, फूड खाने से एक बेनिफिट होता है आपकी हेल्थ मेंटेन रहती है साथ ही साथ आपका माइंड भी उतनी कॉन्शियसली वर्क करता है तो ये कुछ स्टडी टिप्स नॉर्मली मैंने दी हैं जैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन रखिएगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ते पढ़ते तबियत खराब कर लीजिए हाँ स्टूडेंट्स अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं लेट नाइट पढ़ते और आपको भी पता है कि ठंड भी सुबह ज़्यादा जल्दी में मिलती है रात में देर से आती है तो इसके लिए आपको बिल्कुल प्रॉपर uh, कैप करनी होगी प्रॉपर प्रॉपर सॉक्स पहन के बैठिए जैकेट वैकेट वियर करके रहिए अच्छे से रहिए क्योंकि ये जो ठंड है अगर ये आपको लग गई तो आप अपने दिन को बर्बाद कर देंगे जिसकी वजह से आप अपना टाइम नहीं दे पाएंगे स्टडी पर तो ये नॉर्मल सी बात है कि आप हॉस्टल में हो गए या फिर आप घर में होंगे वैकेशन के लिए तो ये सबसे पहले आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये अगर आपको लग गई तो इससे आप अपनी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे जितना भी आपने पढ़ा तो उसमें पॉज आ जाएगा पॉज के बाद स्टडी इतनी अच्छी नहीं हो पाती इतनी इफिशियट नहीं हो पाती मेरे अकॉर्डिंग आपको अपनी हेल्प पर ध्यान देने की जरूरत है वैसे आज की वीडियो में हम जनरली हेल्थ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं आज की वीडियो में हम डिस्कस करने हैं कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी को आप पाँच दिन में कैसे कंप्लीट करें अगर आपकी कम्प्लीट होगी ये बहुत अच्छी बात है इस ट्रिक से रिवाइज कर लीजिए अगर आपकी कंप्लीट नहीं हो तो इन पाँच दिन में अपनी सोशियोलॉजी साइकोलॉजी को कम्प्लीट कर लीजिए ये बेस्ट टिप्स है जो मैं फर्स्ट uh, सेमेस्टर में फॉलो करती थी या फिर मैं यही कहूँगी कि मैं अपने जूनियर्स को डिलीवर कर रही हूँ तो ये बेस्ट टिप्स हैं मेरे अकॉर्डिंग आपको ये फॉलो कर लेने चाहिए जिससे आपकी सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी जी बूस्टअप हो जाए अगर आपने इसमें से कोई भी पॉइंट को मिस कर रहा है तो प्लीज अभी से अपनी स्टडी में एड ऑन कर लीजिए सबसे पहले सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में आपको अपने एग्जाम कॉपी में क्या लिखना है सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है फिर आपको डेफिनेशन लिखनी है विद ऑथर नेम फिर उसकी क्लासिफिकेशन एंड लास्ट आपका कंक्लूजन सिर्फ आपको इतना मेंशन करना है सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में अगर मैं बताऊँ आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो उस टॉपिक का हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट लर्न कर लेंगे हेडिंग्स को लर्न कर लेंगे और प्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए एक अलग से बॉक्स में बना के देंगे जिससे एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इसका प्रेजेंटेशन अच्छा है एक एक हेडिंग को हम लोग बुक्स की लर्न करेंगे अपनी हेडिंग बना के लिखेंगे इतनी अच्छी नहीं बनेगी अगर बुक्स की हेडिंग होगी तो वन ऑफ द बेस्ट हेडिंग्स होंगी ये बात आपको भी पता है डेफिनेशन जो डिफिकल्ट ऑथर नेम की होगी उसको नहीं लर्न करके आप इजी सिंपल ऑथर नेम की लर्न कर लीजिए अगर मैं बताऊँ सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में मिनिमम आपको पांच से छह डेफिनेशन लर्न करनी है दैट्स इट आप अपने पेपर पे लिख लीजिए उसको रोज याद करिए और पांच दिन में आपकी डेफिनेशन फिंगर टिप्स पे होगी आपको एक एक डेफिनेशन विद ऑथर नेम याद होगी आपको सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में बस इतना करना है अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई अगर मैं बताऊं आपको पता है कि सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में कितने सारे यूनिट्स उसमें से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो बस इस वीडियो में हम उन टॉपिक को बताएंगे बस उस टॉपिक को आपको कवर अप करना है अगर वो टॉपिक आपको आते हैं तो आप उसको रिविजन करिएगा अगर वो टॉपिक आपको नहीं आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैंशन कर दीजिएगा उस टॉपिक सेपरेट वीडियो में बना के आपको वो भी क्लियर कर दूंगी सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं हमारा साइकोलॉजी में सबसे पहले हम साइकोलॉजी स्टार्ट करें आश्वानी की बुक से करेंगे क्योंकि आश्वानी बुक मेरी फेवरेट बुक है वो कंटेंट को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करती है तो सबसे पहले आपकी यूनिट है इंट्रोडक्शन तो आपको पता है इंट्रोडक्शन में आपका मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंट है स्कोप इंपॉर्टेंट है ब्रांचेस इंपॉर्टेंट है मैथड्स इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी की डेफिनेशन कुछ पॉइंट्स आपको साइकोलॉजी की इंट्रोडक्शन में करना है नेक्स्ट आपका आप है बायोलॉजिकल इसमें आपको बॉडी माइंड रिलेशनशिप करना है यूनिट टू में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप वो कर लीजिए दैट्स इट नेक्स्ट आपका मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीनिक आपको मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन आनी चाहिए मेंटल हाइजीन क्या आनी चाहिए कॉन्फ्लिक्ट आने चाहिए फ्रस्ट्रेशन के आनी चाहिए और डिफेंस मेकेानिज और डिफेंस मेकेानिज्म आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफेंस में मैं श्योरली कह सकती हूँ तीन या पाँच मार्क्स में आना है साइकोलॉजी में और आपको मैंने ट्रिक भी बताया कि टोटल सिक्सटीन कैसे करें ट्रिक यही है पी यू आर डी एस आई सी ये ट्रिक है इसको आप करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा अगर आपने डिफेंस मेकेनिज्म की वीडियो देख ली है नहीं देखी तो जाके डिफेंस मैकेनिज्म के पहले वीडियो देख लीजिए आपका डाउट क्लियर करते रहिए नेक्स्ट क्या है डेवलपमेंट साइकोलॉजी डेवलपमेंट साइकोलॉजी में आपको ग्रीफ की स्टेजेस लर्न करनी है ग्रीफ क्लू रॉस ने दिया था यह या आप याद कर लीजिए साथ ही साथ उन्होंने अलग अलग स्टेजेस की थी बताई थी कि रोल ऑफ नर्स क्या रहता है साथ ही में उसको हम लोग न्यूट्रिशन एजुकेशन क्या क्या प्रोवाइड करेंगे और उसकी स्टेजेस के एज क्या था उसके नाम क्या थे? टोटल से आते है इनको आप याद कर लीजिए कोई एक आप याद करोगे बाकी आप अपने आप से लिख लोगे नेक्स्ट या पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी में सबसे पहले आपको थ्योरीज क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग डेफिनेशन आप वॉटसन की कर लीजिए लर्न क्योंकि वो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ईजी लगती है और साइकोलॉजी में डेफिनेशन अगर मैं तो थोड़ी सी डिफिकल्ट है सोशोलॉजी से सोशियलॉजी में लैंग्वेज हीजी है साइकोलॉजी में लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है दैट्स इट अगर मैं बताऊँ नेक्स्ट यूनिट कागनेटिवि प्रोसेस कॉगनेटिव प्रोसेस के ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट शेयर कर दी अगर आपने कॉगनेटिव प्रोसेस के इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखे तो वो सेपरेट मैंने बनाएंगे अपने चैनल पे उसको देख लीजिए उससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे नेक्स्ट आपकी यूनिट है मोटिवेशन एंड इमोशन मोटिवेशन इमोशन में आपको मोटिवेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए इमोशन की डेफिनेशन आनी चाहिए मोटिवेशन के टाइप्स आने चाहिए, 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 चाहिए. साथ ही साथ मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए हैं एक आपका है जी ए एस जनरल एडाप्शन सिंड्रोम एक नेक्स्ट आपका है मैस्लोह हैरिकी मैस्लोह हैरिकी बहुत इंपॉर्टेंट और जब आप सेकेंड सेमेस्टर में होगा तो मैस्लो हायरार्की को किया फिर से पढ़ोगे इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक्स को आप भूल मत जाइएगा नेक्स्ट आपकी यूनिट है साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट मैंने आपको बताया साइकोलॉजिकल टेस्ट और असेसमेंट में नॉर्मली मैंने एक डिफरेंस बताया था जो टेस्ट में है अब वो वीडियो बहुत ही सिंपल है और साथ ही साथ एक ही पॉइंट है जो आपको इस यूनिट में कवर अप करना है नेक्स्ट आपका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आप सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल में डिफरेंस कर लीजिए जैसे आपको सॉफ्ट स्किल्स के पॉइंट्स याद हो जाए सॉफ्ट स्किल के पॉइंट्स के साथ में आपको रोल ऑफ नर्स आना चाहिए क्योंकि जनरली uh, अगर आपके एग्जाम में आए तो आप उससे खुद से ऑन कर सकते हैं नेक्स्ट और लास्ट यूनिट आपकी साइकोलॉजी में सेल्फ एम्पावरमेंट तो आपको सेल्फ एम्पावरमेंट की डेफिनेशन आनी चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट की आनी चाहिए और वुमेन एम्पावरमेंट के फेजेस बस आप इतना कर लीजिए आपकी साइकोलॉजी कम्प्लीट होगी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई कि आपको कौन कौन सी डेफिनेशन कवरअप करने अगर आपको वो देखना है तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सोशियोलॉजी साइकोलॉजी सर्च कर लीजिए मेरे चैनल पर मिल जाएगा कोगरेटिव प्रोसेस को मैंने स्पेशली अलग से कवरअप करा है बस आपको ये पाँच दिन रिपीट करना आपकी साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी मेरे अकॉर्डिंग अगर आपकी साइकोलॉजी कंप्लीट है तो इन पाँच दिन को जैसे मैंने बताया उसको रिवाइज कर लीजिए इंपॉर्टेंट है ओपे को जब आप बार से बाहर देखोगे ना तो आप जब एग्जाम में लिखोगे तो आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी प्लस आप अच्छा कंटेंट प्रेजेंट कर सको आपको खुद पता है जब आपको टॉपिक आता होता है तो आप अपने टाइम को सेव करते हो साथ ही साथ मिस्टेक कम होती है एरर अवॉइड करते हो फॉर एक्जाम्पल अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे डेफिनेशन एंड तक लिखते रहोगे और लास्ट में व्हाट्सअप लिख फॉर एग्जाम्पल ऑथर नेम लिख देंगे अगर आपको डेफिनेशन नहीं तो आप टाइम लगाओगे साथ नहीं, नहीं, था, था। तो नहीं, तो नहीं रहेगी तो मेरे अकॉर्डिंग साइकोलॉजी लिए मैंने आपको बेस्ट टिप्स बताएंगे इस तरीके से आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छे हो जाएगा साइकोलॉजी में आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे साइकोलॉजी के एक सेपरेट यूनिट मेरी बहुत ही जल्द आने वाली है वो मिनिमम टेन या फिफ्टीन टॉपिक्स होंगे इंपॉर्टेंट आप अगर कुछ भी नहीं पढ़ोगे वो टॉपिक्स करके जाएंगे तो मेरे अकॉर्डिंग आप जल्द तो मतलब जल्द से जल्द कवर अप कर लेंगे अपने साइकोलॉजी को बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अपने एग्जाम में तो हमारी यूनिट हमारा सब्जेक्ट साइकोलॉजी कंप्लीट हो गया अब हम डिस्कस कर लेते हैं सोशियोलॉजी को सोशियोलॉजी मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी आपको क्योंकि सोशियोलॉजी को समझना अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट जब धीरे धीरे आप चीज़ों को कवर अप कर लोगे तो आपको सोशोलॉजी ईजी लगने लगेगी सोशोलॉजी में यूनिट्स भी कम है और इसमें डेटा भी बहुत कम है सोशोलॉजी में सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है कुछ ही चैप्टर पर लेकिन हम डिस्कस करेंगे यूनिट बाई यूनिट तो आपकी सोशोलॉजी में सबसे पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन इसमें आपको डेफिनेशन uh, पता होनी चाहिए नेचर एंड स्कोप ऑफ द स्कोप ऑफ़ द सोशियोलॉजी आपको रोल ऑफ सो रोल ऑफ नर्स पता होना चाहिए इन सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी क्योंकि आप आप नर्सिंग के थ्रू से पढ़ रहे हो सोशियोलॉजी साइकोलॉजी को अगर किसी में भी आ रहा है रोल ऑफ नर्स तो आप आप एड ऑन कर सकते हो सोशोलॉजी uh, में वो साइकोलॉजी में तो सबसे पहले हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं यूनिट वन इंट्रोडक्शन में आपको डिफिनीशन करना है नेचर करना, करना है और स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी करना है यूनिट टू सोशल स्ट्रक्चर मैंने इसके इंपॉर्टेंट यूनिट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलग से बनाए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट यूनिट है लेकिन हाँ अगर आप इसके करो तो आप डिफेंस फोकस कर आप इसमें कर सकते हो सोशल ग्रुप में कर सकते हो सोशल प्रोसेस कर सकते हो इंडिविजुअल सोसाइटी में डिफरेंस कर सकते हो साथ ही साथ आपको रूलर अर्बन और ट्राइबल कम्युनिटी में डिफरेंस आना चाहिए प्राइमरी सेकेंडरी में डिफरेंस आना चाहिए अगर आपको सोशल स्ट्रक्चर कंप्लीट है तो बहुत अच्छी बात है वरना सोशल स्ट्रक्चर की मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप उसको देख लीजिए कल्चर में सिर्फ और सिर्फ आपको कल्चर की डेफिनेशन आनी चाहिए कल्चर का नेचर आना चाहिए और कल्चर का आपको डाइवर्सिटी आनी चाहिए समटाइम्स डिफरेंस आ जाता है कल्चर से रिलेटेड अगर आपको हिंदी में कल्चर पता है तो आप अपने आप से डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हो नेक्स्ट आपका फैमिली मैरिज तो फैमिली मैरिज में मैं फिर से बताऊंगी फैमिली में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कर लीजिए बेसिक नीड्स टाइप्स एंड फंक्शन फैमिली में सिर्फ आपको ये चार टॉपिक करने हैं मैरिज में आपको क्या करना है फॉर्म्स ऑफ मैरिज करना है सोशल स्ट्रक्चर्स करना है और इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज करना है मैरिज में भी आपके तीन से चार पॉइंट हैं नेक्स्ट आप एक ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है फैमिली एंड मैरिज में इन्फ्लुएंसिंग ऑफ मैरिज एंड फैमिली ऑन हेल्थ एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस तो इसके बारह से तेरह पॉइंट है जैसे कि आ, इसमें क्या क्या हमारी हेल्पफुल रहता है हमारी हेल्थ के लिए बस वो आपको लर्न करना है अगर मैं आपको इसमें दिखा भी देती हूँ जिससे आपको डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए वैसे फैमिली एंड मैरिज आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट है आप इसको ईजिली कवर अप कर सकते हो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपके फैमिली एंड मैरिज में है इन्फ्लुएंसेस ऑफ मैरिज एंड फैमिली ऑन हेल्थ प्रैक्टिसेस एंड हेल्थ तो इसमें ये टॉपिक क्या बताता है हमने पूरा फैमिली पढ़ लिया मैरिज पढ़ ली फैमिली और मैरिज हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट करते हैं हमारी कौन सी प्रैक्टिस को इनहस और कौन से इनिबिट करते हैं तो इसके टोटल ग्यारह पॉइंट है ग्यारह पॉइंट में यही है कि रिलेशनशिप में क्या सपोर्ट क्या प्रैक्टिस क्या एजुकेशन क्या पैटर्न क्या इनकम क्या तो ये दस से बारह पॉइंट्स है वैसे जैसे यूनिट में मैंने शेयर करा है तो आप उसे देख

बहुत बार ये लिख के देखा है ये देख लीजिए मैं हमेशा बुक के पीछे लिख लिख के प्रैक्टिस करी है डेफिनेशन की बहुत बार इससे मुझे डेफिनीशंस लर्नर होता थी इसीलिए मैं आपसे कहूंगी कि आप ऐसे कर लीजिए और आपको नोट्स शॉर्ट में बनाने चाहिए जिससे आपके रिविजन अच्छे से हो जाए सोशल सर्टिफिकेशन में बस आपको इतना करना है सोशल ऑर्गेनाइजेशन और डिसऑर्गेनाइजेशन डिस में तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन करनी है सोशल ऑर्गेनाइजेशन की सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की साथ ही साथ में आपको इसमें एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है जो कि है आपका है सोशल सिस्टम सोशल सिस्टम आपका इंपॉर्टेंट है सोशल नॉर्म्स वैल्यूज कर लीजिए दैट्स इट क्लिनिकल सोशियोलॉजी में सिर्फ सिर्फ आपको डेफिनीशन करनी है और इसका यूज उस क्या इंटरवेंशन के साथ में बस आपका सोशियोलॉजी कंप्लीट हो गया मैंने टोटल यूनिट्स कंप्लीट कर दिए हैं इस अकॉर्डिंग आप करेंगे तो आपकी सोशियोलॉजी साइकोलॉजी बहुत अच्छे से हो जाएगी अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना तो मेरे अकॉर्डिंग जिससे इस वीडियो में मैं बता रही हूँ उस अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे ना तो आपका एग्जाम्पल है फुली प्रिपेयर हो जाएगा सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में मैंने बहुत सारी सेपरेट वीडियो बनाई है जिससे एक एक टॉपिक को मैंने कवर अप करा है मैंने बहुत सारी गाइडेंस के साथ बहुत सारे टिप्स के साथ शेयर करा है अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको देखिए उससे आपको और अच्छा लगेगा से आपको डाउट क्लियर होंगे और आपको खुद में कॉन्फिडेंट आएगा कि कितने ईजी है सोशियोलॉजी साइकोलॉजी और अगर आपका प्रिपेयर है तो मेरे अकॉर्डिंग मेरी ट्रिक के अकॉर्डिंग आप इसको रिवाइज कर लीजिए आपका रिविजन अच्छा होगा तो आप अच्छे से अपने कॉपी को प्रेजेंट भी कर लेंगे कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती है जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखनी होती है आपके एग्जाम को और इन्हांस कर देती है आपकी कॉपी और अच्छी कर देती है उनको आप बिल्कुल एक पेज पे लिख के रखिए और कभी भी आप बैठिए कंफ्यूज हुई है तो उसको देखिए जिससे आपको मोटिवेटेड फील हो साथ ही साथ आप अपने डाउट्स को क्लियर करते रहे मेरे अकॉर्डिंग ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी और मेरे अकॉर्डिंग आपको कुछ समझ में आया होगा अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया या फिर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट है या फिर आपको लग रहा है कि ये टिप्स में हमें क्या इन्हांस करने, तो कर करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा मैं जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो भी बी एस एन एज इन सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले ही डिलीवर कर दीजिए जैसे उनके भी हेल्प हो जाए अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू